उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मौसम बहुत ख़राब है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर जाना तो हो नहीं रहा। और वैसे भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, बिल्कुल नियर आ चुके हैं। CSS के एग्ज़ाम्स हैं, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं ना नहीं लूँ, नेक्स्ट ईयर कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो चलें एक बार दे के देख लूँगी, उससे यह है कि चलो एक्सपीरियंस ही हो जाएगा, कि पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक समझ आ जाएगी, या वहाँ का जो प्रेशर बिल्ट होता है उसको फेस करने का समझ आ जाएगी। तो आज मैं सारा दिन घर पे ही हूँ और स्टडीज़ कर रही हूँ। फिलहाल मैं ये अभी अकाउंटिंग का, अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन है जो, ये मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, दिन बहुत कम है। मंडे से यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो जानी है, तो MPU की क्लासेस भी हो जाएंगी, और मुझे अभी अपनी प्रेजेंटेशन भी बनानी है, लेकिन ये भी इतना लंबा काम है तो मैं कर रही हूँ अभी। और ठंड की वजह से देखना मेरे गेटअप बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा है इस बार, इतनी शदीद किस्म की सर्दी आई है कि पहले कभी भी ऐसी फील नहीं होती है। सारा दिन आप ब्लैंकेट के बगैर बाहर बैठना बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए मैं बस ब्लैंकेट में बैठ के सारा दिन मैं पढ़ती रहती हूँ और अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस कर रही हूँ कि जितना भी हो सकता है मैं उसको कवर कर लूँ। और बाकी मैं देखती हूँ सारा दिन कैसे गुजरता है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए अभी रात के 9 बजे और इतनी शदीद फोक हो गई है कि गली भी सही तरह से नहीं नज़र आ रही, और मुझे आज थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने आज सारा दिन कंटिन्यूसली मैं बैठी रही हूँ और मैं अपना काम करती रही हूँ। तो अब मैं सोने लगी हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठंड से बचिएगा। अल्लाह हाफिज़।